नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो अपनी हुवाई हॉर्न और मैजिक वॉच 2 है, उसके लिए अभी जनवरी में एक अपडेट आई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर वो अपडेट कौन सी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जो वॉच है इसको मैं परफेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ अपने स्मार्टफोन से। और अब मैं यहाँ पे नीचे जाके देखूँगा तो ये देखो, यहाँ पे फ्रेमवेयर अपडेट पे एक ऑरेंज कलर की डॉट है, इसका मतलब अपडेट आई हुई है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने अपडेट को डाउनलोड पे लगा दिया है। तो जब तक ये अपडेट डाउनलोड होती है, हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या नया है इस अपडेट के अंदर और कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे वर्जन है 1.0.10.12 और लगभग 19 MB का यह वर्जन है। और यहाँ पे जो अपडेट्स है उसमें देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड सपोर्ट टू डिस्प्लेइंग मोर टाइप ऑफ डाटा ऑन वॉच फेसेस, एड्स ए 7-डे वेदर फोरकास्ट एंड कुछ ऑप्टिमाइजेशन है जो कि सिस्टम स्टेबिलिटी को है, और कुछ फिक्स सम नॉन इश्यूज़। तो चलिए फिर फटाफट यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको इंस्टॉल होने के बाद दिखाते हैं कि आखिर क्या नया फीचर है जो कि वेदर फोरकास्ट के अंदर ऐड किया गया है और कैसा वो आखिर लग रहा है। तो यहाँ पे ये 99% हो चुका है। जी हाँ, ये अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पहली बार कुछ नया ऑप्शन आया है कि अपडेट अवेलेबल इंस्टॉल नाउ। नॉर्मली तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है, लेकिन अभी शायद मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको टच करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको टच करने के बाद अभी अपडेट स्टार्ट हुई है। तो अब ये अपडेट इंस्टॉल होने लग गई है अपनी वॉच के अंदर। तो चलिए ये जब तक फिनिश होती है तब तक आप ये थोड़े वीडियोस देख लीजिए। तो यहाँ पे ये अपडेट इंस्टॉल हो चुकी है और अब हमारी जो वॉच है वो यहाँ पे रिबूट कर रही है। तो ये देखिए, फटाफट इसको रिबूट होने दे देते हैं। जी हाँ, अभी ये रिबूट हो चुकी है। तो अभी हम देखते हैं इसमें आखिर हमें कुछ नया फीचर क्या देखने को मिलता है। तो अभी मैंने इस वॉच के ऊपर क्या है, टेम्पर ग्लास भी लगा रखा है और टेम्पर ग्लास के ऊपर एक और जो ये प्रोटेक्शन कवर है ये लगा रखा है। तो थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा इसका वीक आ रहा है। तो यहाँ पे अंदर मेन्यू के अंदर ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नया हमको देखने को अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, सभी जो इसके पहले वाले फंक्शन है वही है। लेकिन हाँ, जैसे कि इसमें बताया गया था कि वेदर के अंदर कुछ नया है, तो यहाँ पे देखिए वेदर फोरकास्ट आ रही है। जी हाँ, यहाँ नीचे देखिए आप, 7 दिनों की यहाँ पे लिस्ट आ रही है नीचे, जो कि अपकमिंग डेज हैं उनके सारों का पूरा वेदर लाइन वाइज बता रहा है। मतलब ऊपर तो एक दिन का और फिर उसके नीचे जो नेक्स्ट अपकमिंग 7 डेज है उन सारी की डिटेल्स बता रहा है। और यहाँ पे और कोई ऑप्शन अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार में इसकी जो सेटिंग्स है उसमें भी जाके आपको जो इसका अपडेट का जो वर्जन है वो एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए वर्जन ऊपर आपको दिख रहा है 1.0.11.20। तो यहाँ पे जो एक चीज़ है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज करने वाली है कि जब हमने शुरू में देखा था तो यहाँ पे वर्जन 1.0.10.12 शो कर रहा था और अपडेट होने के बाद 1.0.11.20 शो कर रहा है, और अपडेट होने के बाद मोबाइल में भी यही वर्जन शो कर रहा है। तो ये आखिर क्या हुआ है? तो इस अपडेट के बाद ये एक नया फीचर इसमें जोड़ा गया है वेदर फोरकास्ट का, और साथ में इसमें और भी जो ये फीचर है ये जोड़ा गया है कि जो इसके वॉच फेसेस हैं इस पर और भी चीज़ों को अब ये वॉच सपोर्ट करने लगेगी। तो मतलब जो डेवलपर्स हैं जो कि वॉच फेसेस बना रहे हैं इसके लिए, तो उनके लिए ईजी रहेगा अपने वॉच फेसेस के अंदर और भी ज़्यादा जो डाटा है जो कि इस वॉच से रिलेटेड है वो डाटा इसके जो वॉच फेस है उसके ऊपर डिस्प्ले कर सके। तो बस यही है फिलहाल इस अपडेट के अंदर। अगर आपको कुछ नया मिलता है इस अपडेट के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको कुछ बग्स वगैरह मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कैसी अपडेट ये काम कर रही है, कैसी बैटरी परफॉर्मेंस है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।